अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैंने जैसे कि कल व्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है आज। और ये मैंने कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और ये वाला मैंने ड्रेस पहना हुआ था, सूट सलवार, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल थे। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड पहले चले गए हैं नाश्ता करके, और मेरा बेटा भी स्कूल के लिए चला गया है, और उसके बाद मैं करने लगी हूँ नाश्ता। आज मुझे लेट हो गया था, मैंने उन्हीं को नाश्ता करा दिया था, और बाद में मैं करने लगी हूँ नाश्ता। मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है और कपड़े भी मैंने धो लिए थे, अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी। और ये मैंने ब्रेड पर बटर लगाकर हल्का सा सेका था, और साथ में दूध लिया है मैंने। और जी, हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मैं आ गई हूँ। मैंने उसके बीच में प्रेस भी की थी, जो सारे कपड़े मैंने कल वॉश किए थे उनको भी आयरन किया था, बट उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। और एक ये मैंने आयरन करके रखा है सूट को, और इस पर ये लेस मैंने दुपट्टे पे चारों तरफ लगाई थी कॉर्नर्स पे, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये बची हुई थी तो ये मैंने निकाली है, सूट को निकाला है मैंने कट करने के लिए। इसको भी मुझे सिलना है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको कट करके रख दूँगी, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको सिल लूँगी फटाफट। और ये जो लेस बची हुई थी उसके उसको मैंने स्लीव्स पे लगाना था, इसलिए मैंने उसे निकाला है बाहर सूट के साथ ही। और ये मैंने बुरके को भी अच्छे से आयरन कर दिया था इंटरलॉक करवाने के बाद, और इसको भी मैं बेड में डालूँगी, बेड के बॉक्स में रखूँगी इसको, क्योंकि डेली के लिए मेरे पास ऑलरेडी बुरखा है, इसलिए इसको मुझे संभाल के रखना है। अभी जब कहीं जाना होगा तब मैं इसको निकालूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे कहीं जाना नहीं था तो इसलिए मुझे बेड के अंदर डालना है। और मेरी अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है, और ये देखें रूम की हालत, ये मेरे बेटे ने सब कुछ फैला के रखा है। और अब मैं क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी, सारा रूम बिखरा हुआ है। और जैसे ही मैं बॉक्स में अपने कपड़े वगैरह रखने लगी थी, बुरखा वगैरह रखने लगी थी, तो मुझे बॉक्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखाई दिया था, और बॉक्स काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा आज इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ बेड के बॉक्स की क्लीनिंग, और काफ़ी इसमें सामान था, कपड़े थे, बेडशीट्स, पिलो कवर, कुशंस थे, मैट थी, और बैग्स थे काफ़ी, जहाँ हम कहीं जाते हैं तो बैग्स वगैरह सारे 3-4 बैग इसी में रखे हुए थे। और जो हैवी हैवी मेरी ड्रेसेस हैं, जैसे गाउन्स हैं, फ्रॉक हैं और शरारा हैं, वो सब चीज़ इसी में ही रखी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान है। और बेड के बॉक्स की काफ़ी हाइट है मेरे, तो काफ़ी गहरे बॉक्सेस हैं, बट फिर भी सामान इतना सारा है कि कपड़े वगैरह इतने हैं कि बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, स्पेस बिल्कुल फुल हो चुका था। तो मैंने आज सोचा कि इसको सारा मैं सेट कर देती हूँ, जैसे कि सामान को अच्छी तरह से तरीके से लगाया जाए तो थोड़ी बहुत जगह बन जाती है, थोड़ा बहुत स्पेस मिल ही जाता है। और अभी ऐसा होता है कि कोई सामान हमारे पास है, कोई चीज़ हमने ली ख़रीदी, उसके बाद में हमने ऐसे ही बेड को खोलते हैं और उसमें डाल दे रहते हैं, तो इसी तरह से भर गया था वो पूरा। तो अभी मैं सारा जो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको बाहर निकाल रही हूँ, जो मुझे बेड में रखना ही नहीं है बॉक्स में। तो और सारे जो कपड़े वगैरह हैं डस्टिंग वगैरह में, जो कपड़े हम वेयर करते हैं, जो हमें डिस्कार्ड करने होते हैं, वो सारे कपड़े मैं एक साइड पर रख रही हूँ, ताकि मुझे यूज़ में ले कुछ करना हो, डस्टिंग वगैरह के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होता है, तो वो भी उसके लिए भी कपड़ा हमारे पास हो, तो मैंने उन्हें एक साइड पर रखा है। सारे कपड़े मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। और ये मेरे बेटे की यूनिफॉर्म है, जो कि मैं अभी ख़रीद कर लाई थी, उस दिन मैंने आपके साथ शेयर भी किया है एक वीडियो में, बट अभी वाइट यूनिफॉर्म उसके स्कूल में अलाउ नहीं है, अलाउ थी पहले, बट अभी कुछ टाइम से जब से स्कूल दोबारा से रीओपन हुए हैं, तो तब से एक यूनिफॉर्म ही उसको पहनकर जानी होती है, एक ही कलर की, जो हमने वहाँ से ख़रीदी है स्कूल से अभी। और ये मैंने मैट वगैरह भी इसमें ही रखी हुई थी, छोटी सी ये चटाई है, काफ़ी क्यूट सी, और रमज़ानों में मैं इसे बाहर रखती हूँ, नमाज़ वगैरह हमें कभी साथ में पढ़नी होती है, या फिर हम नीचे बैठ के कभी खाते हैं कुछ, या कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तब इसे निकाल लेती हूँ, या फिर मुझे बिछा के नीचे सोना होता है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। और कुछ इसमें आरओ का सामान था,
आरओ फिल्टर का, जो कि मेरे हस्बैंड ही इसकी फिटिंग करते हैं, मेरे हस्बैंड ही इसकी सर्विसिंग करते हैं फ़िल्टर की। तो सामान उन्होंने घर पर ही मंगा के रखा है, ऑनलाइन परचेज़ किया था ये वाला सामान, हमने ऑनलाइन बाय किया था। और एक बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था खाली, और ये मैंने वैक्स हीटर मंगाया था ऑनलाइन मीशो से। तो मेरी मशीन की मोटर मैंने मंगवाई थी, जो कि अभी मुझे उस पर फिट नहीं करी है मैंने, तो मैंने बॉक्स में वो सेफ्टी से रख दिया है, क्योंकि मोटर वाला जो बॉक्स था वो फट चुका था। और ये मेरे उस थैले में मैंने पर्सेज रखे हैं। और ये सारे पर्सेज मैं अपने बहुत ही ज़्यादा किसी भी पॉली बैग में और अच्छे से रैप करके रखती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अपनी चीज़ों के को इस तरह से पैक कर रखना इधर उधर या किसी भी तरह से, मैं बहुत अच्छे से पैक करके रखती हूँ अपने बैग्स वगैरह को। और मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं भी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बैग्स कम हैं, इसलिए किसी के पास होता है ना, किसी के पास ज़्यादा हो जाते हैं तो वो केयर नहीं करता है, बट मेरे पास जितने भी बैग हैं मेरे, वो सबको मैं बहुत अच्छी तरह से रखती हूँ पन्नी में रैप करके। ये देखें, एक और बैग यहाँ पर मुझे मिला है, वो भी मैंने रैप करके रखा है पॉली बैग में। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा रोटी के कपड़े भी बना कर रखे हुए हैं, जैसे कोई गेस्ट वगैरह घर पे आते हैं तब मैं वो वाले रोटी वाले कपड़े यूज़ करती हूँ। और कुछ मेरे हस्बैंड के बनियान वगैरह हैं न्यू, जो कि मैंने रखे हैं लेकर बिल्कुल न्यू। मैं उनके सामान ऐसे भी लेकर रखती हूँ, कहीं ज़रूरत हो तब मैं उनको देती हूँ निकाल कर। और ये मेरे गाउन शरारा और जो हैवी सूट्स थे, और ये क्लच देखें, वो भी मैंने अच्छे से पन्नी में रैप करके रखी है। और ये सभी को मैं अच्छे से दोबारा से सेट कर रही हूँ। जो भी पॉली बैग मेरे गाउन्स वगैरह जिसमें हैं वो फट गई थी, तो मैंने उसको चेंज किया है, थैले वगैरह यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, और उसमें फिर दोबारा से सेट करके अच्छी तरह से कपड़ों को रख रही हूँ। और जैसे ही मैं क्लीनिंग कर रही थी, मुझे एक प्यारी सी चीज़ मिली थी, और वो थी फिडर का एक कवर था, जो कि मेरा बेटा जब छोटा सा था तो मैंने उसके लिए बनाया था, ये शैनिल के कपड़े से और लेसिस वगैरह लगाए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी यादें वापस आ गई थी इसे देखकर। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम संभाल कर रखते हैं, वो कभी सामने आ जाती हैं तो बहुत सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। तो वही मैं कुछ देर तक उसे देखती रही थी, और अभी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है मेरा बेटा। और बॉक्स की क्लीनिंग करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे, मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों में। और ये बैग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं, जो हम कहीं ट्रैवल में यूज़ करते हैं, तो वो वाले बैग रखे हुए हैं, उन्हें भी मैंने सेट कर दिया है। और ये थी पेस्ट्रीन यानी टेट्रोन वगैरह, बुकरम वगैरह, जो कि मैं सूट्स वगैरह सिलती रहती हूँ कभी, तो मुझे एकदम से अचानक मंगानी नहीं पड़ती है, तो मैं उसको भी रखती हूँ अपने पास। और ये मेरे बेटे की विंटर वाली यूनिफॉर्म है, और ये विंटर के कुछ कपड़े हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं आएंगे, मैंने अलमीरा को खाली किया था, बाद में मैंने कुछ कपड़े बचा दिए थे और वही ये कपड़े रह गए थे विंटर वाले, तो ये मैंने इधर साइड बेड पर रख दिए थे। उधर का बॉक्स मैंने क्लीन कर दिया था पहले ही, और उसके बाद में वो सारे वुलन वाले कपड़े मैं दूसरी साइड पर रखती हूँ। और यहाँ इसके नीचे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर, थैले, रैपर, पता नहीं क्या क्या यहाँ इसके नीचे पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और उसके बाद में पूरी बेडशीट को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, और उसको फिर से सेट कर रही हूँ। और काफ़ी सारा कचरा इसके बेड के बॉक्स से निकला है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली हैं, डिस्कार्ड करी हैं, तो ये देखें कितना सारा कचरा इसके। मुझे ये सारा सेट करना था, जो चीज़ें मुझे निकालनी थी, जो वेस्ट थी, बेकार थी बिल्कुल, उनको मैं एक साइड पर रख रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की जैकेट थी, बिल्कुल न्यू थी, बट पता नहीं इसमें क्या हुआ था, पूरी लेदर इसकी उखड़ गई थी, तो मुझे ये भी किसी काम में नहीं थी, तो मैंने इसके लॉक्स वगैरह निकाले थे, लॉक थे, और चेन वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी थी, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार निकली है। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, यहीं लोकल से शॉप से ली थी, बट ये बिल्कुल
बेकार एकदम इसका मटेरियल था, और इसमें से भी मैंने कुछ कपड़ा निकाला है, काट के कट करके इसका कुछ कपड़ा निकाला है जो थोड़ा मोटा था, तो उसे भी मैं यूज़ करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और उसके बाद जो कुछ कपड़े मैंने उसमें से निकाले थे बॉक्सेस में से, उन्हें भी मैंने एक साइड पर कर दिया है, और कुछ चीज़ें बिल्कुल बेकार थी, उन्हें मैंने एक रैपर में एक बड़ी सी पन्नी लेकर उसको शॉपर लेकर उसमें डाल दिया है, और सभी चीज़ को और जो अलमीरा में जाने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने उसमें रख दी हैं। और ये मॉस्किटो नेट थी जो कि हम यूज़ करते हैं, बट अभी काफ़ी गर्मी है तो अभी हम नेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और मच्छर भी अभी इतना महसूस नहीं हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए नेट यूज़ भी नहीं करी जाएगी अभी, तो मैंने उसको भी यहाँ से निकाल के रख दिया है, वो मैंने बॉक्स में ही डाल के रखी थी, बट अभी वो यूज़ में नहीं आ रही है, तो वो मैं उसको भी दूसरी साइड पर कहीं और सेट करा है मैंने उसे भी। और ये सारे छोटे छोटे कपड़े रखे हुए थे मेरे पास, ऐसा होता है मैं कोई भी सूट सीती हूँ या मेरी सिस्टर्स वगैरह सीती हैं तो मैं उसमें से जो भी कपड़ा बच जाता है वो मैं रखती हूँ अपने पास जब तक मेरे पास सूट रहता है। कभी ऐसा भी हो जाता है, ट्रेजिडी होता है कि कहीं से हमारा सूट ख़राब हो गया या लेंथ छोटी हो गई कुछ, तो मैं उसका कपड़ा संभाल के रखती हूँ। तो ये जो मेरे सूट सारे ख़राब हो गए थे तो मैंने इनको भी निकाल के फेंक दिया है, जो छोटे छोटे कपड़े बचे हुए थे उन्हीं सूट्स के। और जैकेट का कुछ पोर्शन ठीक था जो सही था वो मैंने कट करके रखा है, और वो टॉयज़ की इन्हीं रैक्स में मैंने बिछाया है। और कभी कभी ऐसा होता है मेरा बेटा पानी की बोतल्स वगैरह कुछ इसमें डालता रहता है, पानी टॉयज़ को धो के रख देता है तो वो उसमें पानी वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है वो, तो ये वाला मैंने रैक्सिन वाला कपड़ा उस पर बिछा दिया है अच्छे से, और उसके ऊपर सारे टॉयज़ रख दिए हैं। और एक ड्रॉर ये थी और इसमें भी मुझे यही बिछाना था, ये मैंने बैक साइड से बिछाया है, जैकेट के जिधर लेदर थी वो इसमें बेकार हो गई थी तो मैंने दूसरी साइड से बिछाया। और ये वाली ड्रॉर्स में मैंने आयरन वगैरह रखती हूँ, आयरन इसमें इजीली फिट हो जाती है, और इसमें बाकी का एक दो कोई छोटा सा सामान रखती हूँ मैं। और उसके बाद में ये भी मैंने क्लीन कर दी थी, और उसका वॉलपेपर भी मैंने चेंज कर दिया है, उसमें जो मैंने वॉलपेपर बिछा के रखा था वो काफ़ी बेकार हो गया था, गंदा हो गया था, और अब मैंने ये सारा सामान समेट लिया है, और ये एक पूरी पॉली बैग ये पूरा भर गया है कचरे से, और ये इतना सारा कूड़ा इसमें से निकला है, बेड के बॉक्स से और कुछ ड्रॉर से ऐसा निकला है इतना सारा कचरा। और फिर मैं उसके बाद में लगाने लगी हूँ झाड़ू, और अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि काफ़ी डस्ट हो गई थी, जब हम गद्दे वगैरह उठाते हैं तो काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है। और उसके बाद मैं मोप लगाने लगी हूँ, और ये मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है। और उसके बाद मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए नमाज और कुरान पढ़ने के बाद में, और उसके बाद में ये हो रहा था शाम का टाइम, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे खाना बनाने के लिए, मैं कहीं चली गई थी किसी काम से तो इसलिए आज खाना लेट हो गया था। और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, वो बोल रहे थे कि रमज़ान चले गए हैं इसलिए पकौड़ियाँ एक भी दिन नहीं बनी हैं, तो मैंने जल्दी से फटाफट से पकौड़ियाँ बना दी, और एक साइड पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है क्योंकि खाना बनने में भी अभी टाइम था। और मोस्टली मैं ये करती हूँ कि उनके आते ही मैं फ़ौरन उनको खाना दे देती हूँ, बट आज लेट हो गया था तो जल्दी से मैंने पकौड़ियाँ बनाई और एक साइड पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड को ये दे दिया था, तो इतने उन्होंने ये खाया था और चाय वगैरह पी थी, पकौड़ियाँ खाई थी, तो उसके बाद में मैंने खाना रेडी कर दिया था फटाफट से। और ये मैं बनाने लगी हूँ लोबिया की फली और आलू की सब्ज़ी, जो कि एक साइड पर चाय बन रही थी और एक साइड पर ये मसाला भूनने के लिए मैंने रख दिया है। और ये देखें चाय और आलू के पकौड़े, और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट वो कभी कभी किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो मेरा मन करता है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए बोलें तो मैं फटाफट एकदम से बनाकर उन्हें दे दूं, और वो भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो कभी बताते ही नहीं हैं अपनी कोई भी चॉइस, और सब चीज़ वो खा लेते हैं, सब्ज़ी में किसी चीज़ में भी बिल्कुल भी नखरे नहीं करते हैं वो कि मुझे ये नहीं खाना है मुझे वो नहीं खाना है।
तो इसलिए मन करता है कि वो कोई चीज़ अपने आप से बताएं, तो वो अगर बताते हैं तो मैं फिर बना कर दे देती हूँ जल्दी से, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इसमें, पता नहीं क्यों। और इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और अगर आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।